तो बहुत कमेंट आ रहे थे कि Redmi Note 7 ले या फिर Note 7 Pro ले। तो हालांकि दोनों अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन हम मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं सब में एक्साइटमेंट भरी हुई है कि कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, और काफ़ी सारे मुझे नीचे कमेंट्स आ रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूंगा, Note 7 अच्छा है या फिर Note 7 Pro अच्छा है, और कौन सा आपको लेना चाहिए, और Note 7 Pro के लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए। तो मेरा नाम है कुलभूषण और आप देख रहे हैं के वर्ल्ड। तो Redmi Note 7 तो चाइना में लॉन्च हो गया और अनाउंस भी कर दिया था, Note 7 Pro भी आने वाला है जिसमें आपको Sony IMX 586 का सेंसर यूज करा जाएगा, 48 मेगापिक्सल वाला। और आपको Redmi Note 7 में जो सेंसर यूज करा गया है वो यूज करा गया है Samsung GM1। और चाइना में Redmi Note 7 की जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है वो लगभग से इंडिया के रेट के अकॉर्डिंग बताऊं तो लगभग 10,000 में उसका 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला आपको वेरियंट मिल जाता है। और Redmi Note 7 Pro की जो प्राइसिंग होगी लगभग से वो 15,000 से स्टार्ट होने वाला है, वो भी 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला, या फिर आपको 6GB रैम या फिर 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट हो सकता है। मतलब आप उसको Redmi Note 7 10,000 में ले सकते हैं और Redmi Note 7 Pro आप 15,000 से ले सकते हैं। तो क्या आपको 5,000 ज्यादा डालकर Redmi Note 7 Pro ले लेना चाहिए या फिर नहीं ले लेना चाहिए? अब नीचे ये कमेंट मत करना कि भाई अभी तो लॉन्च भी नहीं हुआ तो पहली वीडियो बना रहा है। तो भाई Note 7 के सारे स्पेसिफिकेशंस हमें पता है और Note 7 Pro में जो स्पेसिफिकेशंस होने वाले वो आधे Xiaomi ने खुद ही बता दिए और आधे जो है वो रूमर्स और लीक के अकॉर्डिंग हमें पता चल चुके हैं। तो इसलिए मैं आपको सही से डिसीजन लेकर बताऊंगा। तो अगर आपका बेसिक काम है और आपको फोटोग्राफी अच्छी चाहिए, कैमरा बिल्कुल बढ़िया चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो Note 7 और Note 7 Pro दोनों ही बढ़िया है। आप अगर ये सोचेंगे Note 7 Pro में मुझे बहुत बढ़िया क्वालिटी मिल जाएगी बहुत ज्यादा, तो इतनी भी बढ़िया नहीं मिलेगी। बस आपको Note 7 Pro में बैक कैमरे में आपको 48 मेगापिक्सल का जो कैमरे से आप फोटो शूट करेंगे वो काफी अच्छा शूट कर पाएंगे। मतलब 48 मेगापिक्सल के रिजोल्यूशन में अगर आप फोटो कैप्चर करेंगे वो काफी अच्छी क्वालिटी देगा आपको Redmi Note 7 Pro। लेकिन Note 7 से अगर आप 48 मेगापिक्सल में ही फोटो कैप्चर करेंगे तो उसमें थोड़ी क्वालिटी लूज हो जाएगी, लेकिन अगर आप नॉर्मल फोटो मोड से फोटो शूट करेंगे दोनों से तो दोनों में ही आपको एग्जैक्टली सिमिलर ही आपको फोटो क्वालिटी मिलने वाली है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला है। और जो दूसरा चेंज होने वाला है Redmi Note 7 में, आपको जो फ्रंट कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है और Redmi Note 7 Pro में आपका 20 या फिर 25 मेगापिक्सल हो सकता है। तो अगर आपको अच्छी सेल्फी चाहिए, मतलब सेल्फी तो आपको Redmi Note 7 में भी काफी अच्छी मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतनी सी भी शिकायत का मौका आपको नहीं देगा Redmi Note 7। लेकिन अगर आपको और बेटर चाहिए और लो लाइट में अच्छी फोटोग्राफी चाहिए फ्रंट कैमरे से, तो आप Redmi Note 7 Pro ले सकते हैं। तो कैमरे में सिर्फ इतना ही फर्क है कि आपको फ्रंट कैमरा जो है वो बेटर मिल जाएगा और बैक में जो है वो आपको 48 मेगापिक्सल जो है वो ट्रूली 48 मेगापिक्सल होने वाला है और काफी अच्छी आप 48 मेगापिक्सल रिजोल्यूशन में फोटो कैप्चर कर पाएंगे। लेकिन इतने ज्यादा रिजोल्यूशन में फोटो खींचकर आप क्या करोगे? मतलब अगर आपको बड़े पोस्टर बनाने हैं तो ही आप उसको ले सकते हैं और कोई मतलब नहीं बनता है। तो बस आप, मेरा मकसद तो ये है, अगर आपको अच्छी सेल्फी चाहिए बहुत ही ज्यादा बहुत मतलब हाईफाई कोई मतलब मुकाबला ही नहीं, तो आप Redmi Note 7 Pro ले सकते हैं। और दूसरा रीजन Redmi Note 7 Pro लेने का ये होगा कि अगर आपको बेटर प्रोसेसर चाहिए तो Redmi Note 7 Pro में आपको Snapdragon 675 मिल सकता है और Redmi Note 7 में आपको Snapdragon 660 मिलता है। तो अगर आपको गेमिंग वगैरह करनी है तो Redmi Note 7 में भी काफी अच्छी हो जाएगी बिना लैग के, लेकिन अगर आपको बिल्कुल हाई वाले गेम खेलने PUBG जैसे और उसको हाई ग्राफिक्स में खेलना है और बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम नहीं चाहिए और आपको काफी फास्ट काम करना है और बिल्कुल हाई फाई हाई स्पीड वाला फोन चाहिए तो आप Redmi Note 7 Pro ले सकते हैं। लेकिन Redmi Note 7 में भी आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना हैंग होगा और गेम भी काफी स्मूथ चलेगी आपकी नॉर्मल और HD ग्राफिक्स में। तो अगर आपको फिर भी फ्यूचर प्रूफ चाहिए फोन तो आप Redmi Note 7 Pro ले सकते हैं। और बाकी और कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ इतना ही फर्क है और भी कुछ माइनर से चेंजेस हो सकते हैं। तो मेन चेंजेस जो है वो कैमरा और प्रोसेसर होने वाला है और बाकी माइनर से चेंजेस हो सकते हैं। तो अगर आपको इन दो चेंजेस से ही बहुत बड़ा फर्क पड़ता है तो आप Redmi Note 7 Pro का वेट कर सकते हो और उसको ले सकते हो। जैसे ही उसकी और भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तो बस इस वीडियो में यही था, अगर Redmi Note 7 लेना चाहते हो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर वेट कर सकते हो और थोड़े पैसे ज्यादा डाल सकते हो तो Redmi Note 7 Pro का वेट कर लेना। तो बस इस वीडियो में यही था, वीडियो पसंद है इसे लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स साथ इसको शेयर कर दो, कोई प्रॉब्लम या फिर सजेशन हो तो नीचे कमेंट कर दो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं।